एपिसोड 2 के एंडिंग में हमने देखा फेना उस गोब्लिन आइलैंड से निकल चुकी है। तो इस वाले वीडियो पर हम बात करते हैं एपिसोड 3 के बारे में। तो बिना कोई देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक चिड़िया जो कुछ संदेश लिए एक आदमी के सामने जाता है। अब दूसरे सीन पर वही आदमी मैक्सिवर को बोल रहा होता है कि उसे किसी भी हालत पर वापस लाओ, उसे मतलब कि फेना को। वहां दूसरी तरफ फेना उसके शिप के अंदर होती है जहां कारिन से पूछ रही होती है कि ये शिप का नाम क्या है। कारिन कहती है बोनीटो। बोनीटो ही क्यों? क्योंकि वो डिलीशियस होते हैं। अब वो वहां जाते हैं जहां पर सभी लोग होते हैं। वहां पर फेना कहती है मुझे कपड़े खरीदने हैं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बारबराल पर रुकेंगे जो कि एक फ्री सिटी है। वहाँ पर पायरेट्स शॉपिंग या फिर ट्रेड्स करते रहते हैं। फिर सुबह की कहता है किसी ना किसी को तो शिप पर रुकना होगा, वो कौन होगा कि तभी युकिमारू वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके हाथ पर एक कागज होती है। वो लोग कुछ गेम खेलते हैं जिसमें युकिमारू हार जाता है। इसका मतलब शिप पर अब युकिमारू रुकेगा। वो कह रहा होता है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। वो कहते हैं ये मिलाकर युकिमारू का लगातार 5 बार हो गया इस तरह शिप पर रुके हुए। अब वो लोग बारबराल पहुँच चुके हैं। सुबाकी एंजो और कायदू से कह रहा होता है कि हम यहाँ पर मस्ती करने नहीं आए हैं तो कोई भी गड़बड़ मत करना, पर वो दोनों उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं इसलिए वो उन पर गुस्सा हो जाता है। अब वो लोग सिटी के अंदर होते हैं जहाँ पर बहुत सारे आदमी पहले से ही होते हैं। अब दूसरे दिन पर सुबह की वो लोग को रूटीन बता रहा होता है कि वो लोग अब क्या करेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे कि तभी सीतान कहता है वो दोनों जुड़वे और फेना काफ़ी देर से हम लोगों के पीछे नहीं है। वो वहाँ दूसरी तरफ होते हैं जहाँ पर फेना के लिए वो कपड़े सेलेक्ट कर रहे होते हैं। फेना बहुत सारे कपड़े ट्राई करती हैं फिर लास्ट में एक कपड़े को सेलेक्ट कर लेती है। अब वो तीनों खाना खा के वापस आ रहे होते हैं जहाँ पर रास्ते में फेना को एक शॉप दिखाई देती है। वो लोग उस शॉप के अंदर जाते हैं। वहाँ पर फेना को एक क्रिस्टल मिलती है जो कि दिखने में वैसे ही होती है जो कि फेना के पास एक ऑलरेडी है। फिर वो उस दुकानदार से पूछती है कि ये क्रिस्टल कहाँ बनाया गया है। दुकानदार जवाब देता है अगर तुम उसे खरीद लोगी तो ही मैं बताऊँगा, लेकिन उस क्रिस्टल का दाम बहुत ज़्यादा होता है इसलिए वो उसे एक ट्रेड के लिए कहते हैं। एंजू उसको एक लाइटर दिखाता है। वो लाइटर देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है कि उस चीज़ से आग कैसे निकल रही है। अब वो आदमी उस लाइटर के बदले में उन्हें सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है। वो उन्हें सब कुछ बता देता है। अब वो लोग वापस आ रहे होते हैं कि तभी मैक्सिवर उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है तो तुम यहाँ हो वाइट मार्जिनल, इस बार तुम नहीं भाग सकती। एंजो और कायदो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर वो बहुत तगड़े होते हैं। अब यहाँ पर सीन कट हो जाती है। हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग शिप पर वापस लौट रहे होते हैं। युकिमारू पूछता है फेना कहाँ पर है। ये सुनकर कारिन कहती है क्या कहा फेना, हमें लगा वो वापस आ चुकी है। फिर सीतान कहता है शायद वो उन ट्विंस के साथ है, तुम चिंता मत करो थोड़ी देर में वो वापस आ जाएंगे। इतना सीतान कह ही रहा होता है कि युकिमारू वहाँ से चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ जबरदस्त फाइटिंग चल रही होती है। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है कि तभी युकिमारू वहाँ पहुंचकर अपना जलवा दिखा देता है। ये देखकर वो लोग थोड़े से घबरा जाते हैं। फिर एंजू और कायदू युकिमारू से कहते हैं तुम फेना को लेकर यहाँ से चले जाओ, हम इन्हें संभाल लेंगे। फिर युकिमारू फेना को लेकर वहाँ से चला जाता है। फेना को अपनी बचपन की याद आती है। जैसे ही वो अपनी यादों की दुनिया से बाहर निकलती है वो उस बिल्डिंग से गिरने वाली होती है लेकिन युकिमारू उसे बचा लेता है। लेकिन उन पर गोलियों के हमले होने लगते हैं। युकिमारू फेना को अपने कंधे पर लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ पर एक गोली लग जाती है। वो जैसे तैसे वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दूसरे सीन पर वो फेना को नीचे रख रहा होता है। फेना कह रही होती है कि तुमने मुझे इतने जोर से नीचे क्यों फेंका कि तभी उसकी नज़र युकिमारू के हाथ पर जाती है। उसके हाथों से खून निकल रही होती है। युकिमारू एंजू और कायदू के बारे में कह रहा होता है कि शायद वो उन लोगों को संभाल लेंगे कि तभी फेना उसके हाथों को देखने की कोशिश करती है पर युकिमारू दूर चला जाता है। फेना कहती है मुझे देखने दो मेरे पास कुछ मेडिसिन से, पर युकिमारू नहीं मानता, कहता है मेरे बारे में चिंता मत करो ये एक छोटी सी खरोच है, पर इम्पोर्टेंट की बात ये है कि तुम्हारी वजह से सबकी लाइफ रिस्क पर आ गई इसलिए तुम अब ये सब करना छोड़ दो। ये सुनकर फेना युकिमारू से माफ़ी मांगने लगती है। युकिमारू कहता है चलो। अब दूसरे सीन पर सभी लोग शिप पर होते हैं। वहाँ सुबाकी उन तीनों को डांट रहा होता है और उन्हें पनिशमेंट भी देता है। वो माकबासा कहता है इन्हें नदी पर फेंक दो तभी इनकी अकल ठिकाने पर आएगी।
वहाँ दूसरी तरफ मैक्सिवर को भी नदी में फेंकने की तैयारी हो रही है, पर पूरी तरह से बांध कर वो कह रहा होता है कि मुझे आखिरी मौका दो, मैं फेना को ले आऊँगा। फिर ये लड़की जैसा दिखने वाला कैरेक्टर बोलता है, अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो उसे नदी पर फेंक देते हैं। अब एपिसोड के एंडिंग में ये आदमी कह रहा होता है कि तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है तुम क्या हो। अब अंदाज़ा लगाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना होगा, ऐसा ये कहता है। नहीं मजा कर रहा हूँ, पर आप कर देना। तो इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। हम टारगेट करते हैं 20 लाइक्स का, आई होप आप पूरा कर दोगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगले एपिसोड का टाइटल द मिस्ट्री ऑफ द स्टोन होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।